नसरुल्लागंज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत वासुदेव में संचालित सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बाउंड्री वॉल का निर्माण 15 लाख रुपए से किया गया था, हालांकि शासन के द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था। शासकीय स्कूल वासुदेव की सुरक्षा दीवार के वक्त से पहले ही भर भरा कर गिर पड़ी है। जिम्मेदारों ने अब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है तो वहीं शासन को भी लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया है। सरपंच और सचिव विकास कार्यों में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण एसडीएम दिनेश तोमर को तहसील कार्यालय में पहुंचकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाउंड्री वॉल निर्माण लालकुई निवासी ठेकेदार के द्वारा किया गया है, जिसमें घटिया सामग्री लगाई गई है और पिलर लगाने के लिए भी कम गहराई जमीन में की गई है, जिस कारण बाउंड्री वॉल गिर गई है। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार को लगातार क्षेत्र की पंचायतों के द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों का ठेका दिया जा रहा है। बाउंड्री वॉल को गिरे एक वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन सुरक्षा दीवार की कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। ठेकेदार पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इस मामले में आदर्श न्यूज चैनल से चर्चा करते हुए जनपद सीईओ ने जांच कराकर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने की बात कही है। आदर्श न्यूज चैनल के लिए नसरुल्लागंज से फिरोज खान की रिपोर्ट। 40 लाख की समथिंग इसकी लागत और ये एक ठेकेदार था लालगुड़ का, तो उसकी हैंडओवर पंचायत की हैंडओवर थी है। तो ये या तो ये ठीक ठाक बन नहीं पाई, इसकी आप देखेंगे तो गहराई नहीं है, जिस हिसाब से कॉलम भी होना था वो नहीं, कमज़ोर थी इसलिए गिर गई। यार घर का नाम महेश्वरी उमेश महेश्वरी है। बाउंड्री वॉल का जहाँ तक है ग्राम पंचायत ने नहीं बनाई है, दूसरा कोई विभाग बनाया है, क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो चाहे पंचायत बनाई है या दूसरा विभाग, हम लोग उसका परीक्षण करवा लेंगे और फिर इस तरह की तकनीकी दिक्कत है तो उसको सुधार करवाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लगा क्योंकि आपके माध्यम से